मंसूबे लेकर जो भी लोग हमारे सिटी में एंटर करेंगे उनको उनको जो है वो दृष्ट करने के लिए वो है वो हमेशा तैयार रहेंगे। और इस तरीके की जो हरकत करने के लिए जो हमारी सुरक्षा को जो हमारी शांति बहाल करने के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे उनको नाकामयाब करने के लिए हमारे सुरक्षा बल जो है वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और उनको एक और बड़ी कामयाबी इसी के संदर्भ में मिली है। अगर मैं बात करूँ जावेद अहमद नाम का एक महीना जिनको सबरा से पकड़ा गया और उसको अभी दरियात के सिस्टम में जो है रखा गया है। फर्दर इंक्वायरी के बाद जो है उसके पता चलेगा कि वो किस तो इस समय आप गंग्याल के बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं और लगातार कामयाबी हम कहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई के पात्र। और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया है आपको याद होगा एसओजी द्वारा गंग्याल पुलिस द्वारा हिदायतुल्लाह को पकड़ा गया था कुंजवानी से। और ये जो व्यक्ति आज बिहार से जिसको पकड़ा गया है इस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है सोर्सेज के मुताबिक जो हमारे पास खबर आ रही है इस व्यक्ति को जो है वो बिहार से पकड़ा है। और ये हिदायतुल्लाह को जो है वो हिदायतुल्लाह को ये व्यक्ति जो है हथियार सप्लाई करता था। तो फिलहाल बड़ी खबर लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये कहीं ना कहीं वेपन सप्लाई जो है वो करता था। तो ये इस समय आप गंग्याल पुलिस स्टेशन की तस्वीरें देख रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों की बात करें बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो करते आ रही है। हालांकि ये इस समय विजुअल्स जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन गंग्याल के बाहर की हैं। और ये जो व्यक्ति आज पकड़ा गया है इसको बिहार से पकड़ा गया है, जावेद इसका नाम बताया जा रहा है। और ये व्यक्ति जो है हिदायतुल्लाह जिसको गिरफ्तार किया था कुंजवानी में उसको जो है उसको हथियार जो है वो सप्लाई करता था। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये विजुअल्स जो हैं वो गंग्याल के हैं। लगातार बात करें कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रही है। और जिस तरीके से 14 तारीख की बात की जाए 14 फरवरी को हालांकि पुलवामा अटैक को 2 साल पूरे हो चुके थे और उसके साथ साथ 14 तारीख को अगर देखा जाए
तो आईईडी बरामद होना बड़ी कामयाबी, तेली बस्ती में एक व्यक्ति को उठाना बड़ी कामयाबी, कुंजवानी में मिल्टन को पकड़ना बड़ी कामयाबी, उसके बाद जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से जो है एक मिल्टन को पकड़ना, एक बार दोबारा से बधाई के पात्र जम्मू कश्मीर पुलिस। अब अगर मैं बात करूं तो जो व्यक्ति जिसको अभी पकड़ा है, इसको बिहार से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी हिदायतुल्लाह को लेकर, और इसको बिहार से पकड़ा गया है, और जो जानकारी हमारे पास प्राप्त हो रही है, ये व्यक्ति जो है हिदायतुल्लाह को वेपन्स जो है वो सप्लाई करता था। फिलहाल बधाई के पात्र जम्मू कश्मीर पुलिस, और विजुअल्स आपके सामने हैं, ये विजुअल्स जो हैं ये गंग्याल पुलिस स्टेशन के हैं, और लगातार बेहतरीन काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करते आई है। और जिस तरीके से आपको याद होगा दिलबाग सिंह जी से हमने बात की थी, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि क्राइम डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए मेरे कोलीग साथ में हैं। रजत, क्या कहोगे, हमने एक सवाल पूछा था दिलबाग सिंह जी से कि लोगों के जहन में ये मंशा चल रही है कि कम से कम नया साल चढ़ते चलते क्राइम रेशियो बढ़ा है। दिलबाग सिंह जी ने साफ तौर पे कहा था क्राइम रेशियो नहीं बढ़ा, क्राइम डिटेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। आपको लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, चाहे एसओजी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, सिक्योरिटी फोर्सेज काम करें, बेहतरीन काम जो है वो करते नजर आ रही हैं, और उसका साफ तौर पर जैसे आज भी एक जावेद को पकड़ा है, बिहार से पकड़ा गया है, और ये वो व्यक्ति है जो हिदायतुल्लाह को जो वेपन सप्लाई करता था, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो? जी, साफ तौर पर बड़ी कामयाबी है। अगर मैं बात करूं तो काफ़ी समय से लगातार, जैसे हमने देखा डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कहा, कई सारे आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पिछले दिनों में जम्मू में पकड़ा है, और एक तरफ जो फोकस जो है कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में 2020 में हमने देखा 220 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मार गिराए, और बड़े बड़े ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने किए, जिसकी वजह से कश्मीर में पूरी तरह से मिलिटेंसी कम हुई। अब जो एक कोशिश है मिलिटेंट्स की कि जम्मू में फोकस किया जाए ताकि जम्मू में टेरर फैलाया जाए, उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस भी अब ये ज़्यादा सतर्क हो गए हैं कि जम्मू के एरिया में अगर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन कर यहाँ पर आतंक फैलाया जाए, तो जिस तरह से हमने देखा हिदायतुल्लाह यहीं से जो पकड़ा गया था कुछ ही दिन पहले पकड़ा गया, और उसने भी एक बड़ा प्लान जो है वो पूरा बनाया था कि रुगना बाजार, लगदाता बाजार, बस स्टैंड और बड़े बड़े आतंकी बड़े हमला वो करने वाले थे, पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सूझबूझ और एक बहादुरी की वजह से हमें वो कामयाबी मिली। और उसी के साथ साथ इसी के कनेक्शन में जब आज ये आतंकी पकड़ा गया है बिहार से, तो साफ तौर पर दिखता है कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बट बिहार, चंडीगढ़, कई सारे और एरियाज में भी ये स्लीपर सेल्स की तरह या ओजीडब्ल्यूज की तरह, अंडरग्राउंड वर्कर्स की तरह, ओवरग्राउंड वर्कर्स की तरह लगातार काम कर रहे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज ज्यादा फोकस इन्हें अब करना होगा इन इलाकों से। लगातार देखा जाए तो आपको लगता है कि ये जो श्रीनगर में आतंक की दुकान कहीं बंद होती नजर आ रही है, उनका रुख जो है जम्मू की तरफ किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की बात करें तो जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से भी एक मिलिटेंट को पकड़ा गया, आईईडी बरामद होना 14 फरवरी को, एक बार दोबारा से दहलाने का प्रयास 14 फरवरी को, 2 साल हो चुके थे, 2000 अगर बात करें तो ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, आपको लगता है इसमें पैनी नजर सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर पुलिस, हालांकि बधाई के पात्र हैं एसएसपी अनंतनाग भी, जिनकी जो जॉइंट ऑपरेशन के बदौलत जो है हिदायतुल्लाह को पकड़ा गया, उसके बाद तेली बस्ती से जो है सांबा से एसओजी, सांबा की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, ये जो लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज दोहरे टेररिज्म से लड़ रही हैं, एक नार्को टेररिज्म और दूसरा जो टेररिस्ट हैं, पिछले कुछ दिनों से चिट्टे बरामद किए जा रहे हैं, कभी कुछ बरामद किया जा रहा है, आपको लगता है कि हड़बड़ाहट जो उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी फोर्सेज को सलाम है जो डिटेक्ट भी कर रही है और हमारी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पर डिटेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि पिछले साल 2019 के बाद की अगर हम बात करें तो एक तरफ पाकिस्तान ने लगातार कोशिश की इन्फिल्ट्रेशन, एक सीज फायर वायलेशन लगातार करवाने की, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करवाई जाए, जब वो पूरी तरह से फेल हुई तो उन्होंने कोशिश की कि ड्रोन के जरिए इस्तेमाल किया जाए, और नार्को टेररिज्म की बात करें, टनल्स नहीं अलग अलग डिटेक्ट हुई, कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पहले सिक्योरिटी फोर्सेज जरूर लगातार वहाँ पर अपनी पैनी नजर जरूर बनाए रखते हैं, बट साथ साथ आपको ये भी बता दें कि वहां पर नार्को टेररिज्म का जो एक खतरा बना हुआ है, उस चैलेंज को भी लड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नई जो एक टास्क फोर्स है नार्को टेररिज्म के लिए खिलाफ, वो भी एक तैयार की है, तो कोशिश पूरी है सिक्योरिटी फोर्सेस की, बट चैलेंज जो है वो पिछले के मुकाबले मुझे लगता है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। एक तरफ शहर की बात करूं तो चोरियां और ये सब किडनैपिंग काफी ज्यादा हो रही है, तो उस सब को भी चैलेंज देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे लगता है ज्यादा अवेयर और ज्यादा सतर्क हो गई है कि हमें इन सारे चैलेंजेस के साथ साथ, मिलिटेंसी और ये जो नार्को टेररिज्म, उन चैलेंजेस के साथ साथ जो विद इन द सिटी चैलेंजेस है उन्हें भी ज्यादा फोकस कर उन चीजों पर भी ध्यान
ध्यान रखना ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी मेंटेन रहे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो मेरे कुलीग थे मेरे साथ रजत, और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने सुना भी कि बहुत सी चीज़ों का ख्याल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस रख रही है। फिलहाल एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF की अगर बात करें वो भी अपना बेहतरीन काम करती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी आप देखिए हलचलें यहाँ पर जरूर अंदर हैं। अभी उस व्यक्ति को जिसका नाम जावेद बताया जा रहा है बिहार से उसको गिरफ्तार किया गया है, और फिलहाल ये वो व्यक्ति है जो हिदायतुल्ला जिसको यहाँ से कुंजवानी से गिरफ्तार किया गया था कुछ दिनों पहले। ये व्यक्ति जो जावेद अहमद है ये उसको हथियार सप्लाई करता था, और इस समय ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस अंदर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये वही व्यक्ति है जो हिदायतुल्ला को जिसको कुंजवानी से पकड़ा गया था, और जिसके साथ साथ एक लेडीज़ भी थी जिसको चंद घंटों के अंदर जो है गिरफ्तार किया गया था। और अब ये मालूम हो रहा है जिस व्यक्ति को जावेद को अभी पकड़ा है, उस जावेद को जो बिहार से पकड़ा है वो हिदायतुल्ला को जो है वो आर्म्स एंड मोशन जो है हथियार जो है वेपन जो है वो सप्लाई करता था। एक बार बधाई के पात्र सल्यूट है इन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को जो इस समय आप देखिए अपनी ड्यूटीज निभाते नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें, चाहे 14 फरवरी की बात की जाए IED का बरामद होना, चाहे जम्मू एयरपोर्ट के बाहर से, जी हाँ ये बधाई के पात्र हैं। खुद SHO रघुवीर चौधरी यहाँ पर मौजूद हैं, और ये तमाम पुलिस अफसरान जो हैं ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं बाखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हो, गंग्याल की तस्वीरें हैं, और लगातार कामयाबी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल रही है। और ये कहीं ना कहीं मैं एक बार दोबारा से बताता चलूँ, शुरुआत करेंगे हिदायतुल्ला से। हिदायतुल्ला को जो है बड़ी बहादुरी से SOG के जवानों ने और खास तौर पर गंग्याल SHO उनकी टीम ने अपनी जान का जोखिम लेते हुए बड़ी बहादुरी से है हिदायतुल्ला को गिरफ्तार किया कुंजवानी से। उसके बाद उसके साथ एक महिला जो फरार हो चुकी थी उसको भी चंद घंटों के बीच में उसको भी जो है गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगर देखा जाए IED लगभग 6.5-7 किलो के आसपास IED बरामद होना BC रोड से, उसके साथ साथ एयरपोर्ट के बाहर से जो है मिल्टन को गिरफ्तार करना, और आज एक बार दोबारा से जो हिदायतुल्ला है उनको उस आंटकी को हथियार सप्लाई करने वाले को भी आज बिहार से जो है वो पकड़ लिया है, धर दबोचा है, और फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूछताछ जो है वो चल रही है। तो फिलहाल प्रयास हमारा यही है कि इस पर और क्या अपडेट आती है वो भी हम आप तक साझा करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दीजिए कि बेहतरीन काम जो जम्मू कश्मीर पुलिस SOG CRPF ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस बेहतरीन काम जो लगातार करते आ रही हैं, सराहना करनी चाहिए। हम उंगलियां बहुत जल्दी उठा लेते हैं, बहुत से लोग पॉइंट आउट करते हैं देखिए जी क्राइम रेशियो बढ़ चुका है, चोरियाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। इसी चीज़ की जानकारी जो है दिलबाग सिंह जी ने भी दी थी और कहा था क्राइम रेशियो नहीं बढ़ा, क्राइम डिटेक्ट ज़्यादा हो रहा है। और इस तरह के अफसरान जब मौजूद हों हमारी सुरक्षा के लिए तो आप साफ तौर पर देखिए कि ये हिदायतुल्ला को वेपन सप्लाई करता था और इसको जो है फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ चल रही है। जो भी इस पर अपडेट होगा हम आप तक साझा जरूर करेंगे, लेकिन आप कमेंट बॉक्स पे अपनी राय देना मत भूलिएगा। जुड़िए वॉइसेस के साथ, श्याम जी सा राहुल खत्री बा वॉइसेस के लिए।